प्रणाम सर। कुछ नहीं। मोतीलाल का है क्या? गैलेक्सी M21 यस सर, यस सर, ये नयका वाला जो सेट लिया था वही। 404 की क्या था, वट गया। हाँ वो उसके जगह पे है। इस चित्र को देख करके बनाइए तो फिर भी टाके हम दोबारा बनाएंगे। एक बार देख के उतारिए हाथ रफ सब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी हम लोग लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो पढ़े हुए हैं तो उसमें टीपी और एमपी और एपी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के रेखा के द्वारा दिखलाए। बीपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आइसो क्वांट के द्वारा दर्शाइए। तो बात तो वही लिखना है लेकिन वो सब चित्र नहीं बनेगा, चित्र ये वाला बनेगा आइसो क्वांट का। इसमें 7 आइसो क्वांट बनाया गया है जिसमें कि 3 आइसो क्वांट चला गया इंक्रीजिंग रिटर्न में, 3 आइसो क्वांट है डिमिनिशिंग रिटर्न में, और उसका 1 आइसो क्वांट ने जा रहा है निगेटिव रिटर्न में। निगेटिव रिटर्न में कोई प्रवेश करता नहीं है।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चित्र को बना के रफ बयान बना के व्हाट्सएप पर भी तुरंत भेजिए, तब फिर हम चित्र को तोड़ के फिर से सिखाएंगे। अभी ये वो रफ बना के भेजिए, देखते हैं कैसा उतरा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट और इक्वल प्रोडक्ट कर्व, सम उत्पाद वक्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या करें। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक रूप है, क्योंकि उत्पत्ति के नियम में स्टेज तीन होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होता है। क्लासिकल में क्या रहता है, स्टेज वन इंक्रीजिंग रहता है, स्टेज टू कांस्टेंट रिटर्न, स्टेज थ्री डिमिनिशिंग रिटर्न। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज टू डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज थ्री निगेटिव रिटर्न। निगेटिव रिटर्न का मतलब नो एंट्री जोन। निगेटिव रिटर्न का मतलब हो गया नो एंट्री जोन। कोई भी विवेकशील फर्म होगा, उत्पादक होगा, वो स्टेज थ्री में प्रवेश नहीं करेगा। कारण क्या है कि Q1 का मतलब हो गया Q1 का मतलब हो गया 100, Q2 का मतलब हो गया 200, Q3 का मतलब हो गया 300, Q4 का मतलब हो गया 400, इसका मतलब हो गया 500, इसका मतलब हो गया 600, इसका मतलब 700 इकाई। तो ये इकाई जो है एक्सिस पर है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब समझ लीजिए लेबर, जो सबसे वेरिएबल होता है। समझने के लिए लेबर दीजिए, लेकिन वेरिएबल फैक्टर में सब रहता है, वेरिएबल में सब रहता है। और फिक्स्ड फैक्टर दिया गया है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ये फिक्स्ड है। सर कैमरा को मूव कीजिए सर। क्या हो गया कैमरा को? आपके बैकग्राउंड का दिख रहा है, फ्रंट कैमरा कीजिए। अब ठीक है सर, ठीक हो गया? यस सर। चित्र सब आदमी को साफ दिखाई दे रहा है? चित्र सब आदमी को साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। जल्दी से उतार के भेजो, जिसका पहले हो गया भेजो।
उदेश उदेश यस सर चित्र में देखो एफ फिक्स फैक्टर जहाँ लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है ना। हाँ सर। एफ ए बड़ा है, ए बी उससे छोटा है, बी सी उससे भी छोटा है। और उसके बाद जो है सी पर से लकीर गिराइए। एफ ए बड़ा है उससे छोटा है ए बी उससे छोटा बी सी, अब बी सी से बड़ा है सी डी, बी सी से बड़ा है सी डी सी डी। सी डी से बड़ा है डी उलट जाएगा, पहले था ए बी बड़ा था एफ एफ ए बड़ा था उससे छोटा है ए बी उससे छोटा है बी सी, इंक्रीजिंग रिटर्न है। अब पलट जाएगा बी सी से बड़ा है सी डी, सी डी से बड़ा है डी, डी से बड़ा है ई एफ, डिमिनिशिंग रिटर्न है। और ई एफ से बहुत बड़ा है जी, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन घट गया। प्रोडक्शन देखिए ए पर प्रोडक्शन है 100, बी पर है 200 जबकि आदमी कम बढ़ा, सी पर है 300 जबकि आदमी कम बढ़ा, क्योंकि ए बी से एफ ए से छोटा है ए बी, ए बी से छोटा है बी सी। अब सी डी देखिए आदमी बहुत ज्यादा बढ़ा है, प्रोडक्शन 300 से 400 हो, डी और आदमी बढ़ा दिए लेकिन 400 से 500 हो, उसका ई एफ बढ़ा है और ज्यादा बढ़ा है लेकिन प्रोडक्शन 500 से 600 हुआ, 700 प्रोडक्शन कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि एफ के बाद एफ जी बढ़ा है लेबर, तो प्रोडक्शन 600 से घट के 500 हो गया क्योंकि नेगेटिव रिटर्न। अब डायग्राम को रीड्रॉ करके भेजिए, पहले बूंदा लगा लीजिए एफ ए बूंदा फिर थोड़ा हट के ए बी बूंदा, थोड़ा हट के बी सी बूंदा, फिर हट के सी डी बूंदा, फिर हट के डी ई बूंदा, ये बूंदा जी को छोड़ दीजिए जहां भी जाएगा जाएगा। ओके सर। सर इसमें सी से पास करेगा एच। हाँ एच सी से पास करेगा। और इसके पहले डी से था। अरे वो गलत था ना, उसी ने करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक। ए बी सी तीन पॉइंट है इंक्रीजिंग रिटर्न में, और सी डी ई एफ डिमिनिशिंग रिटर्न में, और एफ जी है नेगेटिव रिटर्न में। बबली तुम जरा करेक्शन कर लो, सी सी से पास कराना है, वो गलती लकीर खींचा गया था। जी सर कर रहा है सर। हेमंत। हाँ सर। फिर आप भी रीड्रॉ कीजिए, सी से पास कराना है।
उसमें सर बढ़ते हुए दिखाए हैं, ठीक है फिगर में सर एडजस्ट कर लिए हम, ठीक किया, डी के बाद बढ़ रहा है, नहीं बी के बाद सी के घटते हुए ना दिखाना है, शुरू में सर घटेगा ना, तो ए ए बी बड़ा है, बी सी छोटा है, सी डी उससे छोटा है, लेकिन ए जो है उसके पहले भी वो ए पॉइंट है ना फिक्स्ड, फिक्स्ड तो वो फिक्स्ड फैक्टर तो लिखा हुआ है, एफ 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 है वो लिखा हुआ एफ ए, हाँ सर पहला वाला एफ ए है जी, अच्छा फिक्स फैक्टर नीचे कर दीजिए, वहाँ एफ नाम दिए हैं एफ, ओके ओके सर ओके, फिक्स फैक्टर वर्ड नीचे कर दीजिए आप लोग और वहाँ एफ लिखिए, तो पहला लेटर हो गया एफ ए, उससे छोटा होगा ए बी, उससे छोटा होगा बी सी, उसे मतलब बनाया ठीक, लेकिन एक रिपीट कर लीजिए, ठीक है सर बना लेते फिर से। मोतीलाल सर आप सब में बराबर दूरी लिए हुए, फिर से करेक्शन कीजिए, पहला दूरी होगा एफ ए वो थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद पहले बूंदा लगाइए ना एफ ए, उसके बाद बूंदा लगाइए ए बी उससे थोड़ा छोटा, फिर बी सी उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद सी डी उससे बड़ा, डी ई उससे बड़ा, ई एफ उससे बड़ा, और तब वहीं से नीचे वाला खींचिए हाफ हाफ हाफ, अतः उसको ऊपर मिलाइए, मोतीलाल हाँ सर आपका वो एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट वाला भी चित्र गलत है, चित्र में फिर रिपीट करना पड़ेगा आपको, एवरेज एवरेज के टॉप से गिरता है मार्जिनल और एवरेज गिरता है, एकदम गलत बना हुआ है, उसको फिर से बना के दिखाइए, सब आदमी आ गए हैं ना, हम फिर से इसको बना रहे हैं, देखिए बोर्ड पर सब आदमी बोर्ड पर देखिए, बनाना छोड़ दीजिए, हेमंत हाँ सर सब आदमी बोर्ड पर देखिए, तो बोर्ड पर देखिए, एफ ए एफ बी एफ सी, बोर्ड पर देखिएगा ये ए है ये बी है ये सी है, हाफ खींचना है, हाफ खींचने के बाद हाफ बाद में खींचिए, बाद में ले जाइए, उसके बाद अब एफ ए से छोटा हो गया ए बी से छोटा हो गया बी सी, अब डी को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, फिर डी के बाद वाला और बड़ा कर दीजिए, उसके बाद वाला को और बड़ा कर दीजिए, तो अब आप यहाँ से ऐसे गिराएंगे, यहाँ से ऐसे गिराएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, और अब इसको यहाँ टेंजेंट कर दीजिए, ये हो गया क्यू 100, ये हो गया Q 200, ये हो गया Q 300, ये हो गया Q 400, ये हो गया Q 500, ये हो गया Q 600, ये हो गया Q 700,
तो क्यू 700 पर पहुंचेगा ही नहीं, वो उसका ही संतुलन हो जाएगा और निगेटिव रिटर्न शुरू हो जाएगा। ए बी सी, सी से गिरेगा नीचे, अभी हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न, ये हो गया निगेटिव रिटर्न। यहाँ एच देंगे, यहाँ एम देंगे, एम से ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा, ये रोजगार है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये हो गया निगेटिव रिटर्न्स। पहले से खींचने में आराम हो रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ सर, अभी जो हम बनाए हैं इससे आपको आराम हो रहा है? जी हाँ सर, अब तो टेक्निक आ गया ना इस पे, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था। टेक्निक नहीं आ रहा था ना सर उस समय। अकाउंट ऑफिसर ने ये क्वेश्चन पूछा था सर। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अकाउंट ऑफिसर, आपको कितना आया था नंबर? बहुत कम आया था सर, यही क्वेश्चन गलत हो गया था, ये ग्राफ नहीं बना पाए, पूरा उत्पत्ति वृद्धि नियम वगैरह लिख दिए थे, ये ग्राफ ही नहीं बना पाए थे, याद ही स्मरण में नहीं था। क्या क्वेश्चन था? यही था जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है समोत्पाद वक्र की सहायता से दर्शाइए और वो लिखिए। अब क्लास में एब्सेंट रहे होइएगा उस दिन। हाँ, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे सर। इन्हों नियम लिख दिए थे उत्पत्ति, वो मार्शल वाला हम लिख दिए थे सब, वो उत्पत्ति वृद्धि नियम, क्षमता नियम, ह्रास नियम, ये ग्राफ दिए ही नहीं थे, इसमें नंबर ही नहीं दिया। तो आप पढ़े नहीं थे? पढ़े थे, पढ़े थे। कैसे अभी पढ़ी हो? तुरंत फिर बदले हैं तो सब आसान हो गया जी। ये लोग के बैच में 30-30 वो स्टूडेंट था, कितना था स्टूडेंट आप लोग के बैच में? हाँ सर, 25-30 तो था उस समय। इस बार निकालिए। अरे जानते हैं, एक आदमी की शादी के लिए एक लड़की का प्रपोजल आया और उसे घर में आनाकानी किया तो दूसरे जगह शादी कर दिया, और दूसरे जगह जहाँ शादी किया वहां की एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, वो आदमी उसके यहाँ गया कि वो लालची है पैसा दे के हो जाए, तो वहां जाके पूरा गिन दिया, शादी हो गई। आज दोनों का मैच जो मिलाया गया कहीं पर पार्टी उटी में, तो लोग देख के सोचता था कि सोचिए पैसा के लिए नहीं रिजेक्ट कर दिया। हमारे यहाँ उसमें एक वो स्टूडेंट पढ़े भी हुआ था, तो समझदार था, वो कहा कि ना ना लड़की अच्छी है हम करेंगे, तो होता है उसी तरह से। इस बार आपको टारगेट रखना है कि कहीं कोई एरर नहीं हो, इसलिए आप देख रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं एकदम जीरो से। जी सर। हाँ सर, कहीं कोई ये नहीं मान रहे हैं कि राम जो है बहुत जान रहा है, अच्छी तो हो जाएगा सीधे, ज्यादा खुदने फानने वाला ज्यादा गिरता है। हाँ सर,
हम अपने को जीरो पर ला करके बताते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो, क्या हाल है? तो कहीं आप ठीक है? अभी क्लास, अभी क्लास ले रहे हैं, बात कर बात कर। सर हम तो एकदम जीरो ही हैं। और हम खुद जीरो हैं तो तुम कहती हो किससे नाप रही हो उस पर ना। नोबेल प्राइज विनर का देखते हैं तो हम लोग का जो रूम है उस पूरे रूम के बराबर में किताब लिख के रख दिया है। बड़ा सा एक हॉल को भर दोगी तो किताब से भर जाएगा, रिपोर्ट से भर जाएगा। उसका ग्रुप रहता है ना, बहुत लंबा ग्रुप है, एक एक चैप्टर भी एक देश में लिखा गया। तो फिगर का टेक्निक जान जाइए, रोज सवेरे उठिए और तोता को जैसे राम राम सिखाया जाता है उसी चित्र को खींचिए अखबार पर लाल स्केच पेन से, कागज भी बर्बाद नहीं हुआ, पुराना अखबार पर खींच के रख दीजिए। सुनीता जी सर, एक बार एक अखबार बेचने वाला मेरे यहाँ आया और दरवाजा खटखटाया जी। तो हम निकले, मुझे क्या बात है? कहा कि सर अखबार पर जो आप चित्र खिंचवाते हैं तो लीड से मत खिंचवाइए, स्केच से खिंचवाइए। तो मुझे तुमको क्या प्रॉब्लम है? कहा कि हमको प्रॉब्लम है कि अखबार जब हम खरीदते हैं तो उसका ठोंगा बनता है, तो जैसे सामान रखता है तो लीड के कारण उसमें दबाव पड़ा रहता है, फट जाता है। जी जी। और आपका लड़का पूरे पटना में छिदराया हुआ है, लॉज में गए 5 किलो 10 किलो बेच दिया और ले जाके ठोंगा वाले को दिए तो बड़ा मार मारा है हमको कि कहां से तुम लाता है। आइडिया अच्छा दिया सर कि स्केच से कीजिए, हल्का रहे। इसलिए हम स्केच बोलते हैं। लोग अखबार को बेचता है, बहुत आदमी क्या देखिएगा जो बूढ़ पुरनिया रहेगा ना वो अखबार को संजो के रखेगा, अखबारी जैसे बोलेगा उसको बुला के बेच देगा, ठीक से तौलो जी, ठीक से तौलो, डंडी मत मारो। म्यूट कीजिए सब, आज म्यूट कीजिए, कुत्ता भूख रहा है। सर एक बार फिर से बना के भेजे हैं एगो। हाँ देखिए, देख लिए, ठीक है। और 3-4 बार अभ्यास कीजिएगा ना, एकदम आसान हो जाएगा जी। कर्व तो खींचिए ही नहीं, बूंदा लगाइए। अब बूंदा जो एकदम सटा सटा के मत कीजिए, अरे छोटा करना है तो थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन एकदम कम कम नहीं करेंगे। जैसे उद्देश्य जो है ना उसका पहला चित्र में था, ए और बी में बाल के बराबर डिफरेंस किए हुआ है, एगो में 2 बाल डिफरेंस, एगो में 3 बाल डिफरेंस। अरे वैसा क्या जरा पड़े, लंबा पूरा एक पेज का ही चित्र है, पूरे पेज में बीच में बनेगा ही, इतना खूबसूरत उभर करके आएगा कि मन खुश हो जाएगा देखने वाले को। ये सब जो है अगर आपका बना हुआ रहता है तो एग्जामिनर को 80% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि और लोगों का तुलनात्मक भी ना होगा, तुलनात्मक में बहुत दूसरे का कमजोर पड़ जाता है।
फर्स्ट स्टेज में जो है घटते हुए दर से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है, लेकिन उत्पादन जो है बढ़ते हुए दर से होता है। स्टेज सेकंड में बढ़ते हुए दर से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है, लेकिन उत्पादन जो है घटते हुए दर से होता है। और लास्ट में एफ एफ बिंदु के बाद कितना भी हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दें, उत्पादन 600 से घट के 500 हो जाता है। अब है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। There is a lack of perfect substitutes. There is a lack of perfect substitutes factor of production. There is a lack of perfect substitute factor of production. There is imperfect imperfect substitute factor of production. There is imperfect substitute factor of production. Economies greater than diseconomies. Economies greater than diseconomies. Increasing returns. Economy is greater than diseconomy, increasing returns.
इकोनॉमी इज इक्वल टू दिस इकोनॉमी दिस इकोनॉमी constant returns classical law classical law of returns economy is equal to this economy constant returns classical law of returns bhi paya jata hai economies increasing returns sir in case mein negative return hoga ye hoga ye 5 number mein sir isme constant return beech mein aapko dal diye hain छिपा हुआ है जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है उसी पर वो कौन से रिटर्न वहां क्षणिक होता है लेता नहीं है लेकिन क्षणिक वहां रहता है बिना वो आए हुए उधर गुजर ही नहीं सकता इसलिए उसमें इस बात को क्लासिकल जोड़ दिया ये लोग हटा दिए उसको इसलिए साइड में क्लास का लिख दिए हैं और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इंक्रीजिंग है और दूसरा हो जाएगा डिक्रीजिंग होगा दूसरा सर दूसरा हो जाएगा डिक्रीजिंग economy
diminishing, diminishing returns. Negative returns, negative returns, only this economy, only this economy. Zero zero economy, only this economy, zero economy. और कैसे है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो केवल डिस इकोनॉमी है, उसमें इकोनॉमी जीरो है लेकिन फिर भी वो जरूरत का चीज है. अच्छा लॉस पर ही बना ही रहा है क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है. तार है तो तांबा के तार से बिजली जो है बहुत अच्छा से एक जगह एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जाती है. उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर का लॉस कम से कम होता है. लेकिन जहां कहीं भी कॉपर का तार लगाता है तो काट के चोर ले जाता है और बहुत बड़ा तबाही मचाए हुआ है तार का चोरी होना, काट लेना. तब अल्मोनियम का लगाया जाता है. अल्मोनियम के तार में करंट फ्लो होता है ठीक से लेकिन स्पीड और लॉस दोनों उसमें घाटा में रहता है. कॉपर वायर बेस्ट माना जाता है करंट फ्लो कराने के लिए. अल्मोनियम में भी फ्लो करेगा लेकिन उसमें लॉस ऑफ पावर और खर्चा ज्यादा बैठेगा. लेकिन कोई उपाय नहीं. तो अगर किसी फैक्ट्री में खाली डिस इकोनॉमी हो और इकोनॉमी जीरो हो तो वो चलने वाला नहीं है. जब तक चलाइए चलाइए अंत में उसको खत्म होना है. तो उस स्टेज में कोई फर्म अगर जाता है तो इट इज बेटर टू क्लोज एंड फाइंड अनदर सब्स्टिट्यूट. तो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है. और शुरू के दौर में जो है फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन कम होता है. जैसे जैसे बढ़ता है तो फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन अधिक होने लगता है. इन द In the initial period, there is underutilization of plant and machinery. Underutilization of plant and machinery. Underutilization of plant and machinery. As output increases,
देयर इज इकोनॉमीज एज आउटपुट इंक्रीजे देयर इज इकोनॉमीज एंड increasing returns starts in the initial period there is underutilization of plant and machinery as output increases there is economies and increasing returns starts shuru ke samay mein bada bada machine rehta hai डिमांड कम है उत्पादन कम हो रहा है तो पूरा मशीन जो है वो खाली बैठा रहता है बड़ा सा बस निकलवा दीजिए एरिया में उतना आदमी नहीं है चढ़ने वाला तो बस खाली है जा रहा है आ रहा है तेल पानी सब लग रहा है स्टाफ लग रहा है तो वही होता है लेकिन इन दी In the latter period, there is more utilization, of plant and machinery plant and machinery as output increases more there will be more wear and tear depreciation of machines there will be diminishing returns Isoquant is equal product curve. Isoquant is equal product curve.
Q1 is less than Q2. Q2 is less than Q3. Q4 is greater than Q3. Q5 तो इस तरीके से आइसो क्वांट जो है इक्वल प्रोडक्ट कर्व है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 कहीं पर जाकर रुक जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ने का स्कोप नहीं रहेगा। तो इन सभी कारणों से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है और इसको आइसो क्वांट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आइसो क्वांट में खूबी क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट भी रहता है और फिक्स कॉस्ट भी रहता है। फिक्स कॉस्ट जो है स्थिर है OF, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है FA FB FC FD FE FF। तो इस तरीके से कॉजेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। और इसका क्रिटिसिज्म जो पिछला वाला है वही होगा। क्रिटिसिज्म उसी को जो हम लोग दिए हमें वो देंगे। तो इस तरीके से लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये पूरा हो गया। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग रन में। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। Difference between laws of returns, difference between laws of returns and laws of variable proportions. ये हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा ये आपको हम बता चुके हैं पीछे के क्लास को उलट के देखिएगा, इसमें बताए हैं फिलॉसफी ऑफ रिटर्न्स में 3 गो होता है, इसमें भी 3 गो होता है, लेकिन इसमें
कॉन्स्टेंट रिटर्न होता है, उसमें कॉन्स्टेंट रिटर्न नहीं होता है। यही आपका होमवर्क है, इसको एक पेज में लिख के आपको दिखाना है। दैट्स ऑल, एंड ऑफ द क्लास। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। पीछे वाला पढ़ के देख के दो चार पांच लाइन लिख के लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। ये लगा देता है पेज डिफरेंस, ताकि आपका नंबर घट जाए। तो इसको भी हम लोग चुटकी वाला को भी तैयार करके रखेंगे। That's all. Thank you. Good night. Good night.